हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो अभी ईशा नहा करके आई है और इसके बाल गीले हैं, तो बाल धोए थे ईशा ने आज, तो गीले बालों में ही मैं ऑयल लगा देती हूँ बच्चों के, तो अच्छे से सुलझ जाते हैं और अच्छे रहते हैं बाल, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं बाल। तो ईशा के बाल जो हैं बार बार सुलझाते रहो और उलझते रहते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली मोटा वाला कंघा लिया हुआ है ईशा के लिए। तो बाल तो सुलझ गए हैं इसके अच्छे से। अभी मैं इसके आधे बालों में करके क्लेचर लगा दूँगी, तब बाल सूख जाएंगे तभी चोटी वोटी बनाऊँगी आने के बाद। तो हम लोग जा रहे हैं अभी ईशा के वैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाने के लिए, और ईशा मेरे से बोल रही है कि मम्मा आप भी चलो, और मैं बोल रही थी कि पापा के साथ चले जाओ बेटा, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है स्वास्थ्य केंद्र। तो वो मानी नहीं, वो बोल रही है कि आप भी चलो मम्मा। तो मैं भी रेडी होने जा रही हूँ, और अभी मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और बस निकलने ही वाले हैं हम ईशा को लेकर के वैक्सीन लगवाने के लिए। तो ये हम लोग जा रहे हैं। धूप हो गई है, सुबह से मौसम इतना अच्छा था, थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई थी तो ठंडा मौसम हो रहा था, हवा भी चल रही थी अच्छी अच्छी, अभी एकदम से इतनी धूप हो गई। ये देखिए फ्रेंड, हम स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, ये भी पता नहीं है अभी हम लोगों को। वैसे यहाँ पर बताते हैं कि हर रोज़ वैक्सीन लगती है। तो फ्रेंड, ये ईशा के लग चुकी है वैक्सीन और ये अपने हाथ को सहला रही है, इसका दर्द हो रहा अभी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ईशा के और ईशा के पापा के वैक्सीन लगवाने के बाद घर पर। हम लोग रेस्ट भी कर लिया, थोड़ी देर आराम कर लिया। ईशा का हाथ अब इतना नहीं दुख रहा जितना पहले दुख रहा था, बस बल्कि कम है, लेकिन फर्स्ट डोज में ज़्यादा दुखा था। ठीक है, इसको रख दो। तो फ्रेंड्स देखिए कैसा मौसम हो गया है, बहुत ही अच्छा। और हम लोग गए थे जब कितनी तेज़ धूप थी, चिलचिलाती हुई धूप थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद ही हम घर लौट आए, तो उसके बाद तुरंत नहीं, थोड़ी देर के बाद ही ऐसा मौसम हो गया, आंधी जैसा। पहले तो आंधी आ गई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पिकॉक भी आके बैठ गया है पेड़ पर और कैसे अपने पंखों को फैला रहा है। बारिश का मौसम बहुत ही पसंद है, इन मोरों को बहुत ही ज्यादा चिल्लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आ रही है बारिश और ये बादल इतना काला हो रहा है, आ रहा है बादल बहुत जोर से आ रहा है, लेकिन यहाँ जैसे बादल होते हैं ऐसी बारिश नहीं होती है। और तो फ्रेंड्स, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और ये खुशी ने बना रखी है चाय, तो चाय पी लीजिए फ्रेंड। और ये बिस्किट भी रख रखे हैं साथ में, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है बिस्किट खाने का। मम्मी आप मेहंदी कब लगाओगे? तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रिद्धिमा के हैंड हैं और ये मेहंदी जो लगाई है खुशी ने लगाई है, और ये मैंने, और ये वाली रिद्धिमा ने खुद लगाई है। ये खुशी दीदी, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है फ्रेंड्स। और ईशा के भी लगाई, ईशा दिखाना आपके कैसे लगाई है। अच्छा, आपने खुद लगाई है, मुझे लगा खुशी ने लगाई है। तो अच्छी लगाई है ईशा आपने भी, ये खुशी ने अपने लगाई है खुद ही, इतनी बढ़िया लगाई है। अरे बाप, खुशी की कुछ और तो आता है। अभी खुशी मेरे भी मेहंदी लगाने वाली हैं, तो फ्रेंड्स आप देखना कैसी मेहंदी लगाएंगी। खुशी 20 रुपए में सबके मेहंदी लगाती है, कोई लगवा लेना। ये हर्षित, ये तो हर्षित है, ये हर्षित मिस्टी ने भी अपने लगवाई थी मेहंदी, और खुशी को बहुत ही शौक है मेहंदी लगवाने का। ये बचपन से बहुत शौक है ना मेहंदी की, या तो अपने लगाएंगी या फिर किसी के लगाएंगी जरूर। तो आज इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, मेरे हाथों में मेहंदी लगाने वाली हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड। तो ये बारिश आ गई है, यहाँ पे सब लोग, मतलब मम्मियाँ खुश रही ठंडे ठंडे मौसम में,
गरम गरम चाय पी रहे हैं। कबूतर भी अब वहाँ पे मतलब वो अपने प्रोटेक्शन में बैठ गए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ शेल्टर लेके बैठ गए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए खुशी ने कितनी सुंदर मेहंदी लगाना शुरू कर दिया है, अभी कंप्लीट हो जाएगी फिर देखना कितनी सुंदर लगा लेती हैं ये। छोटी सी थी तब से इनको बहुत ही शौक है मेहंदी लगाने का। मेरे को ही बोलती थी मामी मेरे से मेहंदी लगवा लो, मामी मेरे से मेहंदी लगवा लो। हर दूसरे तीसरे दिन मेहंदी चाहिए थी खुशी को, या तो अपने हाथों पे या मेरे हाथों पे। रहने दो मैं ही चला जाऊंगा अकेला, है ना? हाँ, फेरे कराने वाले पंडित। वो मिस्टी भी आज रही है मामी। ये बात समझ आ रही है? और क्या समझ आ रही है? ये देखिए फ्रेंड मेहंदी कंप्लीट हो गई है, और कमेंट में मुझे लिखकर बताना कैसी लगी है मेहंदी, कितनी सुंदर लगी मुझे तो, बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको भी लगवानी है तो दूसरों को लगवा लें। तो ये मेहंदी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बैक मेरे बैक में बैक हैंड में भी मेहंदी लगा दी है खुशी ने, कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।